आपको बता दें कि पूर्व में थाना क्षेत्र सदर बाजार के मोहल्ला चमकनी करवाला के निवासी एक व्यक्ति द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई कि उसकी छोटी बहन दिनांक 20/11/2020 को स्कूटी संख्या UP 27AQ 6615 से गई हुई थी, जिसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है और फोन भी बंद जा रहा है। कोई अप्रिय घटना न होने के संबंध में दी गई थी। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए तत्काल थाने पर गुमशुदगी पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित की गई। उक्त घटना को पुलिस अधीक्षक शाहजहापुर द्वारा गंभीरता से लिया गया तथा संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन, प्रवीण कुमार क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार अशोक पाल के नेतृत्व में गुमशुदा की अतिशीघ्र बरामदगी करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए एवं प्रतिदिन की कार्यवाही की मॉनिटरिंग स्वयं की। शाहजहापुर से गोविंद अवस्थी की रिपोर्ट। दो लड़कियां बरामद हुई हैं, कहाँ का मामला है, किस तरीके से कार्रवाई की गई? ये थाना सदर बाजार क्षेत्र से दो लड़कियां ये अपने घर से कहीं चली गई थी। इनके संबंध में सूचना थाने पर दी गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में त्वरित कार्रवाई थाने द्वारा की गई और यहाँ से तुरंत टीमें रवाना की गई उनके लोकेशन के आधार पर। पहले इनकी लोकेशन लखनऊ मिल गई, टीमें लखनऊ गई, लखनऊ से फिर इनकी लोकेशन उन्नाव मिली। ये समय समय पर अपना मोबाइल ऑन करती थी। उन्नाव मिली और उन्नाव के बाद फाइनली जब इनकी लोकेशन बनारस मिली तो लगातार वो टीम उसी को फॉलो करती रही और अब तक कल इनको बनारस से बरामद कर लिया गया है। ये अभी रास्ते में है, इनको यहाँ लाया जा रहा है। हमें थाना सदर बाजार नियमानुसार जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए और इनसे पूछताछ कर जानकारी की जाएगी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया और क्या।